नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा होम्योपैथिक दवा R33 के ड्रॉप के बारे में। डॉक्टर रेवेक्वेक की जर्मन कंपनी की R33 ड्रॉप, ब्यूफेरॉन ड्रॉप जिसको कन्वर्जन ड्रॉप भी कहते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है, किस तरह से इसका सेवन करना है और इसका कोई साइड इफेक्ट है, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। R33 ड्रॉप डॉक्टर अक्सर कन्वर्जन के लिए देते हैं, फिट्स के लिए देते हैं। तो ये कन्वर्जन, फिट्स या मिर्गी क्या होता है, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर जाकर आप पूरा वीडियो देखिए। 10-15 मिनट का वो वीडियो है दोस्तों, पूरा डिटेल मैंने बहुत आसानी से समझाया कि आखिर फिट्स आना, मिर्गी आना क्या होता है। दोस्तों हमारा जो ब्रेन होता है, ये सारे शरीर की मांसपेशियों को, सारे शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। हमारे दिमाग से असंख्य संख्या में तंत्रिकाएं निकलती हैं, दिमाग की नसें निकलती हैं जो आपके पूरे शरीर में जाती हैं और हर अंग की, हर मांसपेशी की गतिविधि को कंट्रोल करती हैं। इनमें न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन दो तरह के होते हैं, यानी कि एक वो नसें होती हैं जो हमारे संदेश को, अगर पैर में कोई पिंच हुआ है उसके दर्द की अनुभूति को दिमाग तक ले जाती हैं, और एक दूसरी नसें होती हैं जो दिमाग उनको ऑर्डर देता है कि आप अपना पैर उस जगह से हटाइए। तो सेंसरी नर्व और एक मोटर नर्व दो तरह की होती हैं। अब बात करते हैं कि फिट्स क्या होता है। फिट्स में क्या होता है दोस्तों, हमारी दिमाग से विद्युत तरंगें होती हैं जो नसों के माध्यम से उस अंग तक, उस मांसपेशी तक संदेश को ले जाती है। तो क्या होता है, दिमाग में जो करंट बनता है, विद्युत तरंगे बनती हैं, कभी कभी जैसे कि सप्लाई हो रही है आपका एक वोल्ट की, अगर वहां पर 4-5 वोल्ट की सप्लाई होने लगे तो दोस्तों उस अंग की मांसपेशी में झटके आने लगती हैं, मांसपेशी में अकड़न हो जाती है। इसी को कन्वर्जन या मिर्गी का दौरा फिट्स बोल देते हैं। वो आपके आँख फड़क, आँख भी फड़क सकती है, आपके होंठ, जीभ, हाथ, पैर, शरीर के किसी भी अंग में फड़कन हो सकती है, इसको मिर्गी का दौरा कह देते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, कभी भी मिर्गी के दौरे में किसी भी ऊपरी चक्कर, भूत प्रेत का चक्कर ना समझ कर डॉक्टर से जो भी ज़रूरी दवाई इलाज होना है वो ज़रूर कराएँ। ओझा तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, ऊर्जा तांत्रिक आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मिर्गी के दौरे क्या होते हैं, तो इसी तरह से दोस्तों इसमें होम्योपैथी की दवा होती है बहुत लाभकारी, इसको कन्वर्जन ड्रॉप बोलते हैं R33। और इसमें अगर दवाई की बात करें दोस्तों, इसमें बेलाडोना D30, ब्यूफुराना 200, क्यूपरमेटिनिकम D12, पल्सेटिला D30, साइलिसिया D30, जिंकम मेटेलिकम D30 आदि दवाएँ जो कि बेहद कारगर हैं इस तरह के दौरों में, मिर्गी में आदि दवाएं, लाभप्रद दवाएं इसमें पूरी मिश्रण करी हुई हैं। और सेवन की विधि की बात करें, इसका छोटे बच्चों को 10 बूंद सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, बड़े बच्चों को या बड़े लोग हैं वो लगभग 20 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर परहेज की बात करें, देखिए होम्योपैथी में परहेज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अदरक, लहसुन, इलायची, सौंफ, जितने भी सुगंध वाली चीज़ें हैं जिनका कोई अपना मेडिसिनल इफेक्ट है, इस तरह की कोई भी चीज़ दवाई लेते रहने के दौरान आपको सेवन नहीं करना। तो ये मैंने आपको दोस्तों R33 ड्रॉप के बारे में बताया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। और अगर आप इसका कन्वर्जन का इलाज ले रहे हैं, आप हमसे सलाह लेना चाह रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।